हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो आज हाई कोर्ट के अंदर हीयरिंग थी, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2018 के बारे में जो केस था, उसकी जो हीयरिंग हुई है, उसका जो रिजल्ट आया, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अभी डिस्कस करता हूँ। वो मैं बताता हूँ विद डिटेल्स, विद आपको सारा केस के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अभी आपको जो हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आपको अभी टाइम मिल गया है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी नेक्स्ट हीयरिंग है। और फ्रेंड्स, अभी जो हरियाणा सिविल सर्विस के लिए मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, तो डेली आपको जो एक टेस्ट मिला करेगा, डेली एक टेस्ट मिला करेगा 20 क्वेश्चंस का। जो 20 MCQs दिया करूंगा वो डेली शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। वो 20 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर जो MCQ होंगे हर एक सब्जेक्ट के, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, तो सभी चीज़ों के क्वेश्चन मैं 20 20 दिया करूंगा। अगर आप लोग कहते हैं कि सर 100 100 क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, तो फिर वो भी आपको 100 क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अभी NCERT जो 6 to 12th NCERT सारी जो कवर कर दी जाएंगी, अभी आप लोग देख लीजिए। NCERT का एक लेक्चर हो चुका है, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है NCERT की, वो आप देख सकते हैं। अभी आपको जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इनके अलग अलग लेक्चर्स हैं जो प्रीति मैडम द्वारा या और कई टीचर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। मैंने भी काफ़ी लेक्चर तैयार किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। डेली जो है डाले जाते हैं, और डेली दैनिक जागरण के एनालिसिस वो भी डाला जाता है, वो भी हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर जो यूपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे हैं, उसको टारगेट लेके चल रहे हैं, वो लोग इन वीडियोस को जरूर देखिए। चलिए मैं आपको अभी दिखा देता हूँ हरियाणा हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इसके अंदर ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो जो केस डिटेल थी, ये केस डिटेल है, ये केस नंबर है। तो इसकी जो पहली हीयरिंग थी वो 7 सितंबर की थी, जिसके अंदर बताया गया नेक्स्ट हीयरिंग 28 सितंबर को है। जो आज हीयरिंग हुई है 28 सितंबर को, इसके अंदर नेक्स्ट डेट दे दी गई है फ्रेंड्स। तो वो आप लोग याद रखिए कि जो 10/7 है वो जो नेक्स्ट डेट दी गई है, तो याद रखिए कि 7 अक्टूबर नेक्स्ट डेट है। तो फ्रेंड्स, ये 9 अक्टूबर 2018 है, देख लीजिए नेक्स्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2018 है। तो आप इसको जरूर याद रखिए, 9 अक्टूबर को जरूर अपडेट देख लीजिए कि एग्जाम कब होगा। अभी आप ये तो कब क्लियर होगा कि 9 अक्टूबर से पहले एग्जाम नहीं हो सकता, तो अभी आप लोगों को पता है कि जब एग्जाम होगा उससे 15 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे, तो भी एग्जाम ये नवंबर के अंदर चला गया, अक्टूबर के अंदर अभी आपको एग्जाम नहीं होगा, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगा। तो आप टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिए, और आप लोग अपनी तैयारी जरूर रखिए। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तैयारी से रिलेटेड, किसी चीज़ से रिलेटेड, आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो ऑफिशियल साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग खुद से चेक कर सकते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं लिखा हुआ, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप लोग टेस्ट सीरीज चाहते हैं कि सर हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराइए, सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग लेक्चर चाहते हैं तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डेली करनी चाहिए वो भी सुना कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।